हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स, और इससे हमें डिवाइड करना है इसको। फाइंड द कोशेंट, और हमें फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है दोनों केस में इसको डिवाइड करने के बाद। तो जैसे मान लो हमने डिवाइड किया 9 को 2 से, तो जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 पे और यहाँ पे रह गया 1। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोशेंट, और ये होगी हमारी रिमाइंडर। और हमें पूछा है कि फाइंड कोशेंट, तो हमें फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर, और रिमाइंडर फाइंड करना है। और जो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये हमें दी हुई है पी एक्स ये, और डिवाइड किससे करना है जी एक्स, मतलब ये। तो अब हम डिवाइड करेंगे, तो जो पी एक्स वाली वैल्यू है वो आएगी अंदर, इसमें आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दी होगी तो हम क्या करेंगे, हायर डिग्री से स्टार्ट करेंगे, जैसे क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर हमें ऐसे मान लो हमें बीच में ये स्क्वायर वाले टर्म नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से प्लस का 0x स्क्वायर लगा लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इस पॉलिनोमियल में। तो अब स्टार्ट करते हैं, और इसको किससे डिवाइड करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। अगर आप वैसे तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, और एक्स को माइनस 2 से किया माइनस 2x। अब माइनस 2x आ रहा है तो हम सिर्फ x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे नहीं, माइनस का 2x। और अगर आपको पता नहीं लग रहा कि x यहाँ पे कैसे आया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो ये अंदर वाली टर्म है पहले उसको लिख लेंगे एक्स क्यूब, और ये बाहर वाली टर्म लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से एक एक्स रह जाएगा, और यही एक्स किस यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब मान यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद ये माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और यहाँ प्लस प्लस प्लस, और 5 × 2 7x। अब हम ये वाला साइन नहीं देखेंगे, हम ये वाला जो 2x है वो अब प्लस का 2x हो गया, तो प्लस प्लस ये 5x प्लस 2x 7x, और उसके बाद माइनस का 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये अंदर वाली टर्म है माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इससे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या रह गया, माइनस का 3। तो हमने यहाँ लिख लिया माइनस 3। अब इस माइनस 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 6, तो प्लस का 6। हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, इसके पास कोई एक्स नहीं है, तो हम कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे 7x के नीचे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे माइनस है तो हम साइन चेंज करेंगे यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे माइनस। अब ये साइन नहीं देखेंगे हम, ये अब ये प्लस वाला देखेंगे माइनस। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये 7x हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, और माइनस माइनस प्लस, 6 × 3 9, और जो ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, अब यहाँ पे कितनी रहेगी 1, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा आया 7x माइनस 9, और जो हमारे कोशेंट आया वो आया x माइनस 3। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, px
एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम ये पी एक्स वाली टर्म को अंदर रखेंगे, तो यहाँ आ गया x4। अब मैंने बोला था अगर हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री से, यहाँ पे 4 है तो 3 वाली भी होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ अपनी तरफ से 0x³ लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। और जी एक्स हमें जो दिया हुआ था वो दिया था x², हम इसको माइनस x को पहले लिख लेते हैं प्लस 1। अब एक्स फोर हम एक्स के को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स फोर आ जाए, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स फोर, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया माइनस का x³, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का x² अगर ये आपको नहीं पता कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आया, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अंदर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में और बाहर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में, तो जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और यही एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये वैल्यू कैंसिल, और यहाँ पे ये तो 0x³ है, ये प्लस का x³, ये रह गया x³, और माइनस माइनस प्लस 1x² प्लस 3x² 4x², और जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा प्लस 4x प्लस 5। सेकेंड स्टेप, अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, x² को एक्स से, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाली वैल्यू x³ अपॉन फिर बाहर वाली वैल्यू x² कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x, तो मतलब कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³, x को x से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 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 का x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ देखो यहाँ 4x², ये 1x², 4x² में से 1x² गया माइनस का 3x², और 4x में से 1x गया प्लस का 3x प्लस 5। अब हम ये वाली वैल्यू को माइनस 3x² को यहाँ रखेंगे, और ये x² को, और ये x² से x² कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3, मतलब यहाँ आएगा माइनस 3, माइनस 3 को 3x² से किया तो माइनस 3x², माइनस 3 को माइनस एक्स किया माइनस माइनस प्लस 3 को एक्स से किया 3x, और माइनस 3 को प्लस 1 से किया 3 1 3, और प्लस माइनस 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 3 माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल, और प्लस माइनस ये भी कैंसिल, और प्लस 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 5 और 3 8, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर आ गया 3, एंड कोशेंट कोशेंट आ गया x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3, ये हमारा आंसर। उसके बाद देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू x4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस x². अब हमने इसको इससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमें x4 दिए, x³ नहीं दिया, x² नहीं दिया, तो इसको हम अपनी तरफ से जो हमारी पॉलिनोमियल है उसको x³ और स्क्वायर ऐड कर लेंगे, x4 क्यूब वाली टर्म नहीं दी तो 0x³, स्क्वायर वाली टर्म नहीं दी तो 0x² माइनस 5x दिया हुआ है एंड 6। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 2 माइनस x², तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 2, 2 अभी भी प्लस का है और x² भी माइनस का ही है,
तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब हम देख, हम एक्स स्क्वायर को अंदर वाली टर्म को न्यूमरेटर में और ये बाहर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में रखेंगे और कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 4। अब दो से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x2, माइनस 2x2 आ जाएगा और ये यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर के नीचे, माइनस 2x2। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल। और ये तो 0x3 था, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे 0x3 प्लस 2x, 0x2 प्लस 2x2, 2x2 माइनस 5x प्लस 6। अब उसके बाद हम ये अंदर वाली वैल्यू को रखेंगे और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x2 अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रह गया माइनस का 2। तो ये यहाँ पे आएगा माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 2x2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x2, ये हो गया 2x2, 2 2 4 प्लस माइनस 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 4। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस 5x और ये प्लस 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 6 प्लस 4 10। अब यहाँ पे डिग्री इसकी 1 रहेगी और यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री स्मॉलर है, तो अब इसके बाद हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस 5x प्लस 10 एंड कोशेंट आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।